सब कुछ मन पर निर्भर है। बिना मन की शुद्धता के कुछ भी पाया नहीं जा सकता। कहा गया है, गुरु कृष्ण वैष्णव तीन की दया हुई, एक की दया बिना जीव की दुर्गति हुई। यह एक मन ही है, साधक के मन को दयालु होना चाहिए। भगवान का दर्शन मिलने से साधक को भला और क्या मिल जाता है? क्या उसके दो सींग निकल जाते हैं? नहीं, उसका मन शुद्ध हो जाता है तथा विशुद्ध मन से ज्ञान और चेतना प्राप्त होती है। जिसका मन शुद्ध होता है वही सभी को शुद्ध समझता है। जब साधक शुद्ध मन से जप करता है तब उसे लगता है भगवान का नाम सहज रूप से अंतरात्मा से श्रोत्र के समान ऊपर उठ रहा है। उसे जप करने में प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जप ध्यान आलस्य त्याग कर नियत समय में करना चाहिए। मन तो स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए शुरू शुरू में मन को स्थिर करने के लिए प्राणायाम करते हुए ध्यान किया जा सकता है। इससे मन को स्थिर करने में सहायता मिलती है, लेकिन इसे अधिक नहीं करना चाहिए, इससे सिर गर्म हो जाता है। तुम भले ही ईश्वर का दर्शन या ध्यान की बातें करो, पर ध्यान रखो, मन ही सब कुछ है। जब मन स्थिर होता है तब सब कुछ मिल जाता है। निरंतर ध्यान करते रहने से मन इतना स्थिर हो जाता है कि फिर तुम्हें ध्यान छोड़कर उठ नहीं सकते। जब मन ध्यान में रमना नहीं चाहता तो उस पर जबरदस्ती मत करो। ऐसी स्थिति में ध्यान के आसन से प्रणाम करके उठ जाओ। असली ध्यान तो अत्यंत सहज रूप से अपने आप होता है। प्रश्न, माँ मेरा मन जब तक बड़ा चंचल हो जाता है वह सुखों की ओर दौड़ता है, इससे मुझे बड़ा भय होता है। माँ इसमें भय की क्या बात है बेटा, कलयुग में मानसिक पाप पाप नहीं होता। इस प्रकार की चिंताएं अपने मन से निकाल दो, तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन एक उन्मत्त हाथी के समान है, हवा की चाल से चलता है, इसलिए सत असत विचार करके सब देखना पड़ता है और भगवान के लिए मन को खूब लगाना पड़ता है। उस समय दक्षिणेश्वर में मेरा मन एक था,